नमस्कार, सप्रियर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एसएस पांडे, आप देख रहे हैं सप्रियर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबादशाहपुर बाजार में मंगलवार को साप्ताहिक बंदी का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजू गुप्ता के नेतृत्व में उनके समर्थकों द्वारा एक जुलूस निकालकर पूरे नगर क्षेत्र में दुकानदारों से अनुरोध करके दुकानों को बंद कराया गया। व्यापार एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जैसे नारों को लगाते हुए व्यापार मंडल के समर्थकों ने दुकानों को बंद कराया। बंद का असर मुगराबाद शाहपुर नगर में देखने को मिला। व्यापार मंडल के साथ नगर के दुकानदारों ने अपनी सहभागिता को निभाते हुए अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। सबकी नजर से बातचीत के दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजू गुप्ता ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने नगर के व्यापारियों की एक बैठक कराया था। उस बैठक में दुकानदारों ने भी सहमत जताया कि वास्तव में सप्ताह में एक दिन प्रतिष्ठान को बंद रखना चाहिए। उसी कड़ी में मैं मंगलवार, जो कि मुगराबाद शाहपुर में साप्ताहिक बंदी का दिन है, मैं दुकानदारों से अपील किया कि आप लोग एक दिन अपने प्रतिष्ठान को बंद रखें। दुकानदारों ने व्यापार मंडल के साथ अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। मैं नगर के सभी दुकानदारों को बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यापार मंडल के कहने पर साप्ताहिक बंदी रखा। राजीव गुप्ता ने कहा कि आवश्यक दुकानें, दवा, चाय पान वगैरह की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को दुकानदार भाइयों ने बंद रखा। अध्यक्ष राजू गुप्ता ने कहा कि जिस दिन मुगराबाद शाहपुर नगर में साप्ताहिक बंदी का दिन मंगलवार है, उसी दिन क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिर दौलतिया मंदिर पर मेला लगता है। सभी दुकानदार भाई सप्ताह में एक दिन अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके अपने परिवार के साथ भगवान का दर्शन के साथ मेले का आनंद भी उठा सकते हैं। सवाल के जवाब में नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजू गुप्ता ने कहा कि हमारी लड़ाई बंदी से लेकर बंदर तक है। पूरा नगर बंदरों के आतंक से परेशान है। बंदर मुक्त बादशाहपुर बनाने का मेरा संकल्प है। मुगराबाद शाहपुर से वीरेंद्र कुमार के साथ रामकुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं हूं रामकुमार जायसवाल। आज हम मौजूद हैं मुगराबाद शाहपुर के कस्बा के मार्केट में। आज मंगलवार का दिन है और ये साप्ताहिक बंदी के नाम से जाना जाता है। आज ही के दिन ये यहाँ पर लेबर एक्ट के तहत इसको बंदी कराई जाती है, लेकिन आज तक यहाँ पर कभी बंदी नहीं हुआ। सारे प्रतिष्ठान हमेशा खुले रहते थे, लोग अपने व्यवसाय को करते थे, लेकिन यहाँ पर जो व्यापार मंडल है जिनको लोगों ने मनोनीत कराया, राजीव कुमार गुप्ता, आज उनके नेतृत्व में उनके पूरे समर्थक के साथ मोटर बाइक के साथ एक जुलूस निकाल करके लोगों से निवेदन किया गया कि कृपया अपनी दुकानों को ये बंद रखें ताकि पूर्ण बंदी हो सके और व्यापारी कम से कम अपने निजी व्यवस्थाओं के लिए इस बंदी के दिन अपने घर जाकर के आराम कर सके, अपने परिवार को भी समय दे सके। हमारे बीच में मौजूद है राजीव कुमार गुप्ता, जो कि व्यापार मंडल के मनोनीत अध्यक्ष हैं। सर, आज ये बताइए, आज कैसे बहुत दिनों बाद एक जागृति की मुहिम आपके अंदर आई कि व्यापार मंडल के तरफ से मंगलवार की बंदी को लेकर के आपने अपने मोटर बाइक अपने समर्थकों के साथ जिस तरीके से लोगों से आपने निवेदन किया है, क्या कारण है कि इतने दिन तक क्या था कि जो आप बिल्कुल शांति से बैठे थे, आज ऐसी क्या बात आ गई कि जो आप पूरे क्षेत्र में, पूरे अपने कस्बे में व्यापारियों के साथ एक संदेश दिया आपने, चूंकि व्यापारियों के लिए मंगलवार की जो बंदी है ये कानून एक्ट के तहत भी ये बंदी घोषित है, बताइए सर। राम कुमार जी, पहले तो एक चीज ये जान लीजिए कि मैं एक्टिव आज नहीं हुआ हूँ। मैं जब से हमको मनोनीत अध्यक्ष किया गया है, जी जी, 4 साल हमको हो गया व्यापार मंडल का अध्यक्ष पद ग्रहण किए हुए। 4 साल से मैं निरंतर एक्टिव हूँ, व्यापारियों के बीच में हूँ, व्यापारियों की समस्या का समाधान कर रहा हूँ। ऐसी कई योजनाएं मैंने बाजार में लागू किया जिससे हमारे व्यापारी बहुत लाभान्वित हुए हैं। और व्यापार मंडल का स्वरूप हमने जब बड़ा करना चाहा, क्योंकि आगे चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, तो इसलिए हम जो व्यापार मंडल का स्वरूप है इसमें बाना समिति का गठन किए भी हैं और गठन अभी बाकी है। इसके लिए हमने अभी कुछ दिनों पहले विशंबर दुबे जी के स्कूल में एक खुली बैठक बुलाई थी, जिसमें कस्बे के बड़ी संख्या में व्यापारियों ने अपनी उपस्थिति दी और उन्होंने व्यापार मंडल से एक निवेदन किया कि अध्यक्ष जी, हमको एक जो है साप्ताहिक बंदी चाहिए। तो जब व्यापारियों ने डिमांड किया तो उसी दिन मीटिंग में फैसला ले लिया गया कि साप्ताहिक बंदी मंगलवार को पूर्ण रूप से संपन्न किया जाएगा।
आज बंदी से आपने शुरुआत किया है और जैसा कि हम लोगों ने अभी खंगाला भी है कि बंदी आपकी पूर्णता आपके नेतृत्व में सफल रही है। कई एक आध दुकानें खुली होंगी, वो अफवाह सुरूद है, उसका कोई बहुत मायने नहीं, लेकिन संपूर्णता दुकानें बंद है। व्यापारियों ने आपका समर्थन भी किया है, तो जो व्यापारी आपके हैं उनकी अपेक्षाओं पर आप खड़े कैसे उतरेंगे? मैं 4 साल से निरंतर व्यापारियों के बीच खड़ा उतरा हूँ और जब तक हमारी जो है प्रदेश की कमेटी हमको अध्यक्ष नियुक्त करती रहेगी तब तक व्यापारियों की समस्या का निदान मैं करता रहूंगा। राम कुमार जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए सर। 2010 में यहाँ पर व्यापार मंडल का चुनाव वोटिंग के माध्यम से हुआ था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें राजीव केसरी जी अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विश्वामित्र जी महामंत्री पद पर, मैं कोसा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ, मोहम्मद आजम राइन भाई सब ये संगठन मंत्री पद पर निर्वाचित हुए। आज जो हमने इस पूर्व में एक बैठक बुलाई थी तो उस बैठक में व्यापारियों ने इतना पूर्ण समर्थन दिया है कि लोग बौखला गए हैं जो राजनीति करने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पंपलेट महामंत्री जी ने बांटा है कि 2010 में मुझको महामंत्री नियुक्त किया गया और उस पंपलेट में साफ शब्दों में कहा गया है कि मैं 9 साल तक निरंतर सो गया था, तो मैं पूछना चाहता हूं जो 9 साल पहले जो ऊर्जा थी, जो जवानी थी, तो अब जो है 9 साल आप आगे बुजुर्ग वाली श्रेणी में आ गए हैं, तो आपसे क्या उम्मीद व्यापारी करे कि जब आप 9 साल सोए, एक बार जीते तो 9 साल सोए, अब चुनाव की मांग कर रहे हैं। अब मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ अगर वो चुनाव लड़े तो इस बार 18 साल के लिए सोएंगे, क्योंकि ये शब्द उनके पंपलेट में बटा हुआ है। अब मैं सोने वाला नेता नहीं हूँ, आज वो अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं और क्षमा प्रार्थी है कि मैं व्यापारियों से क्षमा चाहता हूं कि आपने मुझको जिस एक बात अध्यक्ष जी मैं ये जानना चाहता हूं कि 2010 में जब यहां पर व्यापार मंडल निर्वाचित होकर के पदाधिकारी चुन करके आए और वो सब सक्रिय है कि निष्क्रिय है इसको तो व्यापारी ही बता पाएंगे ना। आज क्या स्थिति है कि जैसे ही आपने एक नेतृत्व पुनः प्रारंभ किया तो दूसरे खेमे में क्यों इतनी खलबली आ गई? हमको राम कुमार जी एक बात ये नहीं समझ में आई कि आखिर मेरे बैठक के बाद इनके अंदर कौन सी कीड़ा पैदा हो गया, कौन से कीड़े पैदा हो गए और सारे लोग मीटिंग में आए थे, सब ने एक स्वर से कहा भैया व्यापार मंडल को मजबूत कर दो, इसी में व्यापारियों का भला है। तो हमको कहीं न कहीं इनका ये जो व्यापार मंडल का चुनाव का पंपलेट बांट रहे हैं ना, ये व्यापार मंडल का गठन नहीं है, ये जेबी व्यापार मंडल का गठन है। अच्छा सर, एक चीज ये मुझे बता दीजिए, हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक पद्धति रही है कि मत के द्वारा चुनाव करना, ये हमारे यहाँ का संविधान है। अगर दूसरी पार्टी, जो दूसरी पार्टी है जो अनाउंसमेंट भी करा रही है, अगर वो चुनाव की प्रक्रिया को लाना चाहती है, क्या आप उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं? राम कुमार जी, इस पे मेरा 2 टूक साफ जवाब है। हाँ जी, मुगरा बादशाहपुर में व्यापार मंडल की स्थापना जब से हुई है हम लोग बनवारी लाल कंचल ग्रुप से मिलान करते हैं, रजिस्टर्ड हमारी संस्था है और मुगरा बादशाहपुर में व्यापार मंडल की जब से नींव पड़ी है इस संस्था के अलावा कोई भी संस्था काम नहीं की है। और एक चीज आप जान लीजिए कि चुनाव दो बार हुए, दोनों बार का रिजल्ट ये आया कि अलग अलग टीम से लोग चुन के आते हैं, आपसी तालमेल बनता नहीं है। अब हमारे जो तथाकथित पद पे जो चयनित किए गए थे, आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिस चीज को आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव से तालमेल नहीं बना, तो आप चुनाव में व्यापारियों के जबरदस्ती क्यों ढकेलना चाहते हैं? क्योंकि जब तालमेल बना नहीं उस समय, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि चुनाव चाहे जब होगा तालमेल कभी नहीं बनेगा। इसी क्रम में पूरे उत्तर प्रदेश में मनोनीत प्रक्रिया है, चाहे सुजानगंज ले लीजिए, चाहे मछली साल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के किसी भी मंडी में। और एक चीज ये जान लीजिए कि व्यापार मंडल जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, ये हमारा व्यापारी संगठन है,
सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन का चुनाव नहीं होता है। और मैं आपके इस मंच से आपके माइक पे खुला आश्वासन देता हूँ, 31 दिसंबर 2020 तक का कार्यकाल है। अगर जो समाज सेवा करना चाहता है, मेरी टीम से लग के समाज सेवा करे। मैं कैसे मानूं कि आप 9 साल सोए 1 साल जागेंगे? मैं कहता हूँ आप मेरी टीम से लग के काम करिए। और जो चुनाव बंदी के लिए जो जागरूकता अभियान आपने फैलाई है, उसके पीछे जो आपकी मंशा साबित हो रही है कि कहीं न कहीं व्यापारियों को भी आराम चाहिए, उनके भी दवाई दरमत है, उनके भी परिवार है, एक अच्छी सोच के तहत आप पहल कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, क्या ये बंदी को कितना आप प्रभावशाली बनाएंगे? क्या ये इस चीज तरीके का जो ये आपने एक संदेश दिया है, क्या ये हर मंगलवार को ये पूर्णता बंदी रहेगी? अगर कहीं कोई दुकानें खुलती है, क्योंकि छोटे व्यापारियों की बहुत बड़ी शिकायत होती है कि जो बड़े व्यापारी हैं वो कहने के लिए एक संदेश तो डाल देते हैं, लेकिन बड़े व्यापारी जितने हैं वो अपनी दुकानों का एक शटर खुला खोल करके रखते हैं और छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? राम कुमार जी, ये आप जहाँ पे खड़े हैं, हमारे ख्याल से छोटे लाल द्विवेदी जी इस कस्बे के सबसे बड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। तो आवाज आती है कि बड़े व्यापारी दुकान नहीं बंद करते, तो हमको तो पूरी बिल्डिंग बंद दिखाई दे रही है, पूरी मार्केट बंद है। अति आवश्यक सामग्री दुकानों को छोड़कर 95% दुकान बंद का मतलब आप समझते हैं? आपका जहन और जुनून ऐसे ही बरकरार रहेगा अनवरत, ये बताइए मुझे आप। अनवरत आज पहला दिन आपका स्टार्ट आपने किया है, संपूर्ण बंदी देखने को मिल रही है, क्या ऐसा निरंतर देखने को मिलेगा? आज व्यापार मंडल अगर बंदी के आह्वान पे उतरा है तो मैं व्यापारियों के सर्वसम्मत से निकला हूँ। व्यापारी ने आवाज लगाई, अध्यक्ष जी हमको एक दिन आराम चाहिए, हमने कहा मुझको आपका सहयोग चाहिए। तो आज मैं कस्बे के सभी व्यापारियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। 98% दुकान बंद का मतलब आप समझते हैं कि जो डुप्लीकेट व्यापार मंडल आया है वो जान ले कि 98% व्यापारी राजीव गुप्ता, बनवारी लाल कंचल, इंदु सिंह के समर्थन में है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, मुझे आप बताइए, जो यहाँ के व्यापारी गणों की इच्छाएं, जो उनका हमेशा से शोषण होता आया है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और इनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, व्यापार सुचारू रूप से चले, व्यापार निरंतर चलता रहे, उससे जुड़े हुए जितने संबंधित संसाधन हैं, बिजली को लेकर के और जाम को लेकर के, जो यहाँ वन वे को लेकर के मामला उठता है, बराबर वन वे को लेकर के, अध्यक्ष जी मैं कहना चाहूंगा, गाड़ियां जो चलती हैं, बड़े बड़े व्यापारियों की गाड़ियां अंदर प्रवेश करती हैं और छोटे व्यापारियों का व्यापार बाधित होता है। आपके यहाँ वन वे की व्यवस्था बनाई गई है, उसका एक समय निर्धारित किया गया है पुलिस विभाग में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए राम कुमार जी, बंदी का जो सिस्टम है, मीटिंग में ही सर्वसम्मत से पास कर दिया गया था कि साप्ताहिक बंदी पूर्ण रूप से सफल बनाई जाएगी। और जो हमारे होलसेल ऊपर चाहे जो व्यापारी हो, अगर उनका माल बाहर से आता है तो माल अनलोडिंग कराने के लिए 5 बजे से आप रात्रि चाहे जितने बजे तक माल अनलोडिंग करा सकते हैं। इसकी व्यवस्था हमने व्यापार मंडल में दिया आम पर। और व्यापार मंडल का यह लड़ाई जो है केवल बंदी से नहीं है, हमारी लड़ाई बंदी से लेकर बंदर तक है। आज पूरा व्यवसायी जो है, पूरा कस्बा बंदर से परेशान है। प्रथम शुरुआत बंदी से है, इसके बाद शुरुआत बंदर से करेंगे, बंदर मुक्त मुगरा बादशाहपुर होगा। आप सभी सहयोग दीजिए। बंदी से लेकर के बंदर तक एक शुरुआत किया है आपने, बंदी से लेकर के बंदर तक की बात की है, जो कि बहुत बड़ी समस्या से ग्रसित यह मुगरा बादशाहपुर है। ऐसा व्यापार मंडल के मनोनीत अध्यक्ष राजीव गुप्ता या उनके संगठन से जुड़े हुए तमाम समर्थक लोगों के विचार है, और ये इसी तरीके की जो मुहिम है कि हमारे व्यापारियों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी, व्यापारियों से जुड़ी जितनी समस्याएं, उन समस्याओं से, तमाम समस्याओं से ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे।